गुरु जी नमस्कार। मैं सुरेंद्र प्रसाद ढाल, भुवनेश्वर उड़ीसा। मैं आपको यहाँ पर आपका प्रणाम करता हूँ, आपका चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरा जो ग्रुपमेट थे, जो मेरा जो क्लासमेट था, ऑनलाइन क्लासमेट थे, सब लोग के पास मैं आभारी हूँ, अभिनंदन देता हूँ। क्योंकि एक टाइम में हम लोग का एक कोऑर्डिनेशन हुआ है, सब लोग का, सब अलग अलग प्रांत से, कोई बिहार में, कोई नेपाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, ऐसा हमारा एक नया मुलाकात हुआ है, अच्छा रिलेशन भी हुआ है। सब लोग का मन में ये भावना था कैसे क्या है, हम लोग का एक हिप्नोटाइज क्या है, कॉन्शियस माइंड तो सबको मालूम था, सबकॉन्शियस माइंड क्या है क्या नहीं है, मन में बहुत भावनात्मक ये था, मुद्दा था। तो ये सब हमारा वो जो 7 डेज क्लास में हम लोग का बहुत अच्छा मिला है, और एकदम बेहतर तरीके से हम लोग का उसको किया है, लर्निंग किया है। और सब लोग का पूरा जो आपका गुरुजी, आपका जो प्रोसेस है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका लर्निंग सिस्टम है, जो आपका टेक्निक है, इतना इजी, इतना बेहतर, इतना आपका आसान है, कोई भी आदमी, एक जनरल, एक लेमैन है, उन लोग का भी उसको समझ में आ जाएगा क्या है हिप्नोटाइज। आपके लिए, खुद के लिए, आपका रिश्तेदार के लिए, आपका फ्रेंड के लिए कोई यूज़ कर सकता है। ये एक बेहतर शिक्षा है। और हिप्नोटाइज नॉट ए माइथोलॉजिकल एजुकेशन है, इट इज़ साइंस ऑल्सो। मैं इसीलिए बहुत बहुत आपका चरण स्पर्श करता हूँ, बहुत आभारी हूँ जिसे मेरे को वो सीखने में मिला है। मैं आपका जो मेरे को मिला है, हम लोग का बोल नहीं पाएंगे, मेरे को वर्ड नहीं आता है किस तरह से आप लोग का धन्यवाद बताता हूँ, किस तरह से आप लोग का शुक्रिया अदा करूँगा। फिर भी सब लोग का, आपका जो प्रोसीजर है, पहले आपका इंट्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका इंडक्शन है, PMR है, PLR है, क्लिनिकल थेरापी है, आपका कुछ भी, लॉट ऑफ थिंग्स का हम लोग का उसका पहले यूज किया है हमारा ऊपर। और हमारा अनुभूति तो है, एकदम बेहतर अनुभूति है, खुद के लिए है। और वो जो अनुभूति है, जो लोग नहीं कर पाएगा उसको पता नहीं चलेगा, तो हम खुद उसको किया है। साथ में भी एक कॉमन प्रोग्राम भी हुआ है, PMR हम लोग का किया है, उसमें भी बहुत बेहतर हमको मिला है, जो अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ा मेरा लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है, मेरा बेटी का उम्र है जो 14 ईयर्स है, 9th क्लास पढ़ाई कर रहा है। तो मेरे को पता नहीं था, तो आप मेरे को बताइए, आपको आज कराएंगे आपका बेटी का, तो मैं उसको आपके सामने बैठाया, जो आप लोग का कमांड दिया है मैं उनको फॉलो किया, ऐसा ही बोला है, वो तो एकदम पूरा अल्फा मोड में गया है। उसके बाद में आपका फिर डीप ट्रांस में गया है, डीप ट्रांस में गया है, उसका PLR में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक स्टेज में गया है। तो वो मेरा जो अनुभूति है, मेरा लाइफ में कभी भी हम लोग का उसको भूल नहीं सकेंगे। कैसे किया है, क्या किया है, मेरे को पता नहीं है, एज पर योर गाइडलाइन हम लोग का उसको हो गया है। अच्छा लर्निंग सिस्टम था, आपका सिस्टम भी बहुत बढ़िया था, जैसे समझने के लिए एवरीबॉडी कैन अंडरस्टूड द लर्निंग प्रोसीजर, तो वो हिसाब से हम बहुत आगे बढ़े हैं। और आगे आपका नाम भी रोशन करेंगे, आपका एक अच्छा छात्र बन के ज़रूर आपका एक दिन सुनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। आगे आपका खाली इतना है गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहना चाहिए, जैसे हम आगे बढ़ सकेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। और एक दिन आपको समझ में आएगा, ये जो स्टूडेंट था, ऑल आर डायमंड है, आपका भाषा में तो हम लोग सब डायमंड है, एक एक ज्वेल एंड डायमंड है, तो उसको करके आपका नाम रोशन करेंगे। इतना ही बोलेंगे, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, खुद के लिए है, आपका रिश्तेदार के लिए है, आपका फ्रेंड के लिए हो, कोई भी आपका जनरल पीपल है, जो आप लोग आजकल में सब लोग का जो प्रॉब्लम फेस करता है, किसका स्ट्रेस है, फोबिया है, एंग्जाइटी है, बहुत सारी, सब लोग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम में झेलता है,
हमारा मेरा हिसाब से ये प्रॉब्लम हम ओवरकम कर सकता है, लेकिन हमको सिस्टम और वो सब काम होने से तभी तो आपको आएंगे। तो मैं इतना बताता हूँ सबको, ये बहुत अच्छा एजुकेशन है, हिप्नोटाइज है, इसमें बहुत आदमी को ह्यूमन बींग के लिए बहुत अच्छा काम में आएगा, सब लोग को जानना ज़रूरी है। और आई रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स दिस एजुकेशन, इतना बड़ा विद्या है सम्मोहन विद्या, तो उसको हर आदमी काम में लगा के उसका जो प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम जो समस्या आदमी का जीवन में आता है, वो तो ज़रूर उसको ओवरकम हो सकता है, ज़रूर आगे बढ़ सकता है, ज़रूर आगे कुछ कर पाएंगे। सब लोग के लिए, बच्चों लोग के लिए है, एजुकेशन के लिए है, जो पढ़ाई करता है, जो किसका डिजीज है, किसका फोबिया है, किसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, हर चीज़ के लिए विद्या काम में आता है, एकदम बेहतर तरीके से वो काम में आता है। आदमी कुछ ना कुछ निकल सकता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा और ज़रूर उसको काम में, उसका डे टू डे लाइफ में लगेगा। तो बहुत अच्छा हुआ है, मैं आपको आशीर्वाद लेता हूँ, आपको बताता हूँ, आपका हर टाइम आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहना ज़रूरी है गुरु जी। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका चरण स्पर्श करता हूँ हमेशा के लिए है, आपका आशीर्वाद बनना ज़रूरी है हमारे ऊपर। आपका बिना आशीर्वाद से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका इतना सोच के रखिए, ये हमारा एक अधम छात्र है, जैसे आगे वो बढ़ सकेगा आपका आशीर्वाद से, इतना ही मेरा विनती है। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम। भी देखिए कैसे फाइव, आप अपने पिछले जन्म में कोहरे को पार कर रही हो तो आपको पिछला जन्म दिखाई दे रहा है, पिछले जन्म में कहां पर हो वहां पर पहुंचा रहा हूं। फोर, आप लगातार पिछले जन्म की हो, 3-2-1-0 डी स्लिप, आप वहां पर पिछले जन्म में पहुंच चुके हैं जहां आपका पिछला जन्म हुआ था। यस सुरेन जी, पूछो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है। वहां पर क्या है, मैदान है, घर, मकान, शहर, गांव, क्या दिख रहा है बताओ। क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, अंधेरा है कि उजाला है, पूछो। अंधेरा में इसलिए नहीं दिख, अंधेरे को क्रॉस करके जाओ, तुम पिछला जन्म उस गुफा को क्रॉस करोगी ना, गुफा में पिछला जन्म दिखाई दे जा रहा है। यस, उधर एक दरवाजा लगा है, उसमें पास्ट लाइफ लिखा है, उसको दरवाजे को खोलोगी जैसे ही और तुरंत पिछले जन्म में पहुंच जाओगी। फाइव, उस गुफा को धीरे धीरे क्रॉस करती जा रही हो और पिछले जन्म में बढ़ती जा रही हो। फोर, 20 साल पहले पहुंच चुकी हो। 3, 40 साल पहले आपको पहुंचा दिया है। 2-1-0 और वो दरवाजा खोलो, वहां पे लिखा है पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का वहां पर जो भी है, घर, मकान, मैदान, सब दिखाई देने वाला है। 2-1-0 डीप स्लीप, आपने वो दरवाजा खोल दिया है और पास्ट लाइफ के दरवाजे को खोल के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। यस, वो दरवाजे को खोलने को उस तरफ क्या है पूछो। दरवाजा खोलने को उस तरफ क्या है, दरवाजा खोल के अंदर गई, क्या है वहां पर, वहां पे घर, मकान, दुकान क्या है, आखिर वहां पे मैदान क्या है। कैसा घर है, कैसा घर है, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है, घर, घर में घुसो, अंदर घर में, घर में घुस के देखो अंदर कौन है। यस, 3-2-1-0, आप घर में अंदर घुस के देखो उसमें कौन है, घर में अंदर घुसो उसमें कौन कौन है, घर में कौन कौन है, पूरे घर में कितने लोग रहते हैं, उस घर में कितने लोग रहते हैं,
कितने लोग रहते हैं घर में? वहां पर आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? वहां पर आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? वहां पर आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं पिछले जन्म की लाइफ में? कौन से कपड़े पहन रखे हैं? खुद के पांव में, खुद के शरीर में कौन से कपड़े पहन रखे हैं तुमने खुद स्वयं? कौन से कपड़े पहन रखे हैं बताओ, जल्दी बताओ। पैंट शर्ट पहना है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे लोग सुने। वहां पर तो उस कमरे में, वो मकान में कोई तुम्हें बुला रहे हैं वहां पर आवाज देके? किस नाम से तुम्हें बुला रहे हैं? मकान में तुम्हें कोई बूढ़े दादाजी बुला रहे हैं, एक खड़े हैं वहां पर और सफेद कपड़े पहने हुए, वो बुला रहे हैं तुमको? किस नाम से वो बुला रहे हैं तुमको? और वहां और कितने मकान बने हैं जहां पे वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, और कितने मकान बने हैं? उसमें तुम्हारा खुद का घर है? अपने घर में पहुंचो, तुम्हारा खुद का घर है उनमें? हाँ, घर में ले जाओ, जाओ घर में, कौन कौन है अपने घर में जाके बताओ कौन कौन है। तुम्हारे वहां पे तुम्हारे कितने लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन कितने लोग हो वहां पर उस घर में? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं उनमें? देखो, तुम्हारे मम्मी पापा हैं क्या? क्या नाम है पापा का, क्या नाम मम्मी का, क्या नाम? क्या नाम है पापा मम्मी का, नाम क्या है वहां पर जहां पर उस घर में पिछले जन्म में? मम्मी का, थ्री टू वन जीरो, तुम बता सकती हो वहां पर तुम्हारे पापा क्या काम करते थे, तुम्हारे घर में क्या काम होता था, वो सब बता सकती हो? अभी पापा क्या कर रहे हैं, अभी वहां पर पापा क्या कर रहे हैं तुम्हारे? प्रोफेशन क्या है उनका? पापा ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? पापा ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं?
कौन से कलर की शर्ट पहनी है? शर्ट पहने पापा पैंट शर्ट, तो कौन से कलर की शर्ट है वो? एज कितना होगा? चालीस के पास है, वेरी गुड। तुम्हारी एज क्या है उस समय वहां पर, जो है तुमने कौन से कपड़े पहने, तुम्हारी एज क्या है वहां पर? तुम्हारा एज क्या है वहां पर, तुम्हारा एज? कितना? इलेवन, इलेवन ट्वेल्व है, वेरी गुड। और तुम्हारे है क्या नाम है जगह का नाम? कितने भाई बहन हो तुम उस जन्म में, कितने भाई बहन है तुम्हारे? कितना भाई बहन है? कितना भाई बहन है? ओनली वन? उस समय तुम्हारे पिता का नाम क्या था? क्या नाम था पिताजी का? हाँ, वो गांव है कि शहर है जहां मकान था डबल स्टोरी, वो गांव है कि शहर है? कौन सा टाउन है? उस जन्म में तुम्हारी डेथ कितने साल की उम्र में हुई थी? तुम्हारी मृत्यु 3 2 1 0, वो मृत्यु का सीन भी बता सकती हो, किस साल में कैसे डेथ हुई थी? 3, वो सीन क्रिएट हो रहा है माइंड में। 2, वो माइंड में आपको पता चल रहा है कि उस समय डेथ किस एज में, किस कारण हुई थी। 1 0 एंड डीप स्लीप, आप बता सकती हो उस समय तुम्हारी मृत्यु किस एज में और क्यों कैसे हुई थी। व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ, कैसे डेथ हुई थी, कैसे डेथ हुई थी? कैसे डेथ हुई थी मालूम? पता नहीं है, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। तो अपन ने अभी देखो बहुत सारे लेवल अपन ने, वी हैव टेस्टेड सो मेनी लेवल्स, और वी कैन से अब इनके हाथ चिपका दीजिए, इनके हाथों को बोलना मैं बजरंग बली की शक्ति फेविक्विक लगा के चिपका रहा हूं।
आपस में उंगलियां फंसा दो, आपस में उंगलियां फंसा दो, आपस में उंगलियां फंसा दो, आपस में उंगलियां उंगलियां फंसा दो ना ऐसे आपस में एक दूसरे में, आपस में उंगलियां फंसा दो एक दूसरे में, फंसा के उंगलियां सिर पे रख दो, सिर पे हाथ रखो, फेविक्विक लगा दो और आपस में फेविक्विक, फेविक्विक लगा रहा हूं। कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। चंद्रशेखर जी आप भी निकाल के देखिए तब भी नहीं निकलेंगे, चंद्रशेखर जी आप भी निकाल के देखो तब भी नहीं निकलेंगे, कोई भी खींचेगा आप नहीं निकल सकती, बुरी तरह से दोनों हाथ चिपक चुके हैं। कोई भी खोलेगा आप नहीं खोलेंगे, चंद्रशेखर जी आप भी खोल के देखिए नहीं खोलेंगे, आप भी पूरी ताकत से खोल के देखेंगे नहीं खोलेंगे, जिन्हें कोई खोलेगा उतने ही ज्यादा चिपकते जा रहे और ज्यादा टाइट होते जा रहे। दोनों हाथ सिर पे रख दीजिए, दोनों हाथ सिर पे रख दीजिए, दोनों हाथ चिपका के सिर पे चिपका दीजिए, सिर पे चिपका दीजिए। अब ये फेविक्विक लग गया आपके सिर में, पूरी तरह से आपके सिर में चिपक गए हैं दोनों हाथ पूरी तरह, और चिपकते जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी आप भी खोलिए, चंद्रशेखर जी आप भी खोल के देखिए नहीं खोलेंगे, आप भी खोल के देखिए नहीं खोलेंगे, जो जो खोलेगा और चिपकते जा रहे। आप खोल के देखिए ना आप नहीं खोलेंगे, आप दोनों हाथ खोल के देखिए नहीं खोलेंगे, पूरी ताकत से जो जो कोई खोलेगा और ज्यादा चिपकते जाएंगे, पूरी ताकत लगा देगा तब भी जो है पूरी तरह से एकदम एकदम चिपक चुके हैं, पूरी तरह से जो है हाथों को सिर पे चिपका दिया। अब ये हाथ इनके चिपके रहेंगे, और जो भी पत्नियां अपने पति के ऊपर अगर हाथ उठाने की कोशिश करेंगी तो उनके हाथ इसी तरह चिपका दिए जाएंगे, इसलिए कोई भी हिम्मत नहीं करेगी कि नहीं, सारे पतियों को सिखाऊंगा मैं कि अगर कोई पत्नी हाथ उठाने की कोशिश करेगी। वंदना कहाँ गई, वंदना कैमरा खोलो माइक खोलो, वेयर इज वंदना। हाँ ये इनने पत्नी के हाथ चिपका दिए हैं, और अगर कोई भी पत्नी अगर अपने पति से थोड़ा भी गड़बड़ करेगी उसके हाथ इसी तरह चिपका दिए जाएंगे और वो इसी तरह उसके चिपके रहेंगे। सुनील जी कहाँ गए, सुनील जी सुनील जी सुनील जी कैमरा बंद है यार आपका। आप कभी भी पत्नी कोई भी अगर पत्नी कभी कोई धमकी दे लड़ाई झगड़ा करे इसी तरह चिपका देना उसको, ठीक है ना। तो पत्नियों का इलाज हमने ढूंढ लिया हिप्नोटिज्म से, और जो भी गड़बड़ करेगी उसके उसको इसी तरह चिपका दिया जाएगा। तो इन्होंने पत्नी के हाथ चिपका दिए। और इनका बढ़िया से मेमोरी बना। तो सुनील जी अभी अपन जो बेगूसराय से सुनील जी अभी आप देख रहे थे, तो आपने इंस्टेंटली ऑनलाइन इंस्टेंट हिप्नोटिज्म क्या आज के पहले कभी देखा था? नहीं देखा था आपने? और माने कितने लेवल अपन ने ऑनलाइन करके देख लिए ना आपने, क्या क्या आपने इसमें मेस में देखा? हाँ हाँ जी ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें, माने इसमें नाम भुलाना भी आ गया है, और इसमें मेमोरी से कोई चीज अपन डिलीट करते हैं वो भी आ गया है, पास्ट लाइफ भी आ गया है, स्वाद भी कैसे बदल देते हैं अपन वो भी आ गया है। वंदना, वंदना जी फ्रॉम राजस्थान, वंदना कहाँ गई है? वंदना माइक बंद है, कैमरा भी बंद है तुम्हारा, कैमरा भी खोलो ना, कैमरा क्यों बंद है यार? हाँ बट इज क्या तुम्हारा कैसा लगा इंस्टेंट हिप्नोटिज्म?
आपने देख लिया है कि इंस्टेंटली किस तरह से हिप्नोटाइज होता है, और उसमें भी कठिन कठिन लेबल अपन देख रहे हैं, अपन ने नाम बदल के देख लिया और पास्ट लाइफ तक देख लिया है ना जी, पास्ट लाइफ तक देख लिया माने सारा कवर। उत्तम जी फ्रॉम भोपाल, आज से पहले कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्या बात है। हाँ, हाथ चिपका दिए, नाम बुला दिया, डिलीट मार दी मेमोरी, वेरी गुड, पास्ट लाइफ। हाँ, कमरे में हाथी दिखा दिए, हाँ हाँ, ये बड़ा लेवल है, आंखें खोल के उसको पूरे में हाथी दिख रहे थे, 7-8 हाथी पूरे कमरे, ये बड़ा लेवल है, ये बड़ी अचीवमेंट है क्लास की, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, ये बड़ा मैजिक। चंद्रशेखर जी, आप उस समय क्लास में आ गए थे जब हाथी दिखाई दे रहे थे उसको, चंद्रशेखर जी? अच्छा, आपके सामने उस आंखें खोली, वो उसको कमरे में हाथी दिखाई दिख रहे थे पूरे कमरे में, वेरी गुड, सुपर लेवल है, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन लेवल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ हिप्नोटिज्म होता है कि आंखें खोल के और उसको कमरे में कबूतर, हाथी या पपी, कुत्ते, पिल्ले, कुछ भी आप जो दिखाओगे आंखें खोल के दिखाई दे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। हाँ, जो वंदना बोले ना, अनबिलीवेबल है, मालूम है जादूगर यही तो करता है, आप जादूगर सबके माइंड को हेलुसिनेशन लेवल पे करके और उस पूरे कमरे में जो भी दिखा देता है वो हेलुसिनेशन लेवल है, करेक्ट। चलो, एक बहादुर जी नेपाल, हाँ, पहला कभी नहीं आपने देखा, बहुत बहुत सुंदर, माने अपन ने जो हिप्नोटिज्म के जितने भी लेवल होते हैं सारी अवस्थाएं अपन ने चेक करके और वी हैव टेस्टेड ऑनलाइन, है ना। एके बहादुर जी फ्रॉम नेपाल, वेरी गुड, और सुरेन जी तो खुद करके दिखा रहे हैं, इनके लिए एक बार तालियां बजाओ भाई, इनका पहली बार इनका कॉन्फिडेंस लेवल पे अपन ने किया है, सारे लोग बढ़िया क्लैपिंग करो, कभी जीवन और पहली बार आपने करके उसको पूरे लेवल दिखा के और पास्ट लाइफ भी दिखा दिया, सुरेन जी भुवनेश्वर, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास नाउ, तो वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। ये आपकी पत्नी है विठल राव जी, तो क्या नाम लिखती है आपका, क्या नाम है इनका, पत्नी का क्या नाम है आपकी, शविता, अरे वाह, वेरी नाइस, सुपर नेम, बहुत अच्छा नाम है, ये आपके माइंड को पूरा अच्छे से फोकस कराएंगे और आप पूरी तरह से हमारी आवाज पर और इन पर फोकस करेंगे और आपके माइंड को, आपकी जितनी बीमारियां होगी उनको ठीक करेंगे, आपकी फिजिकल मेंटल जो भी प्रॉब्लम है उनको अपन सॉल्व करेंगे, और आपको एक मजबूत बनाना है फिजिकली मेंटली और एक बढ़िया इंसान बनाना है, ठीक है ना। उसके लिए हम ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए है, आपकी शारीरिक जो रोग बाधाएं वो दूर होंगी, मन में खुशी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, ये करने जा रहे हैं। यस, आपको फॉलो करना है पूरी तरह से, जो ये बताते जाएंगे उसको आप फॉलो करिए। यस, रेडी पेंडुलम, गुड, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास, गौर से देखिए आप, पेंडुलम पे फोकस करिए, पूरा ध्यान बिना पलक झपकाए, पूरा ध्यान पलक नहीं झपकाना है, पूरा फोकस आपको पेंडुलम पे करना है, और जहां जहां पेंडुलम जा रहा है आप लगातार उसको देखते जा रहे हैं, लगातार देखते जा रही है, आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपकी आंखें भारी हो रही है, पलकों का वजन बढ़ रहा है, आपकी आंखें बहुत तेजी से भारी हो रही हैं, वन टू थ्री स्लिप 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 स्लिप, 10 से 0 तक रिवर्स काउंटिंग करेंगे, 10 से 0 तक रिवर्स काउंटिंग के साथ आप और ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हैं,
10 से 0 की काउंटिंग में, हर काउंटिंग के साथ में गहरी नींद।